हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आ चुका है इंडियन पोस्ट गार्ड नाविक जीडी का एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी। बोलोगे एडमिट कार्ड क्या सर, वो सब मैं बताऊंगा। एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं होगा, अभी जो चीज़ें हो रही हैं। चलो, अगर इंडियन पोस्ट गार्ड नाविक की वेबसाइट पर जाओगे, देखो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ों को दिया है, ए टू जेड स्टडी ऐप का दिया है, पोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए वीवीआई पीडीएफ के जो नोट्स हैं उनके लिंक्स दे रखे हैं। लेकिन उसी के बीच में जब नीचे जाओगे ना, तो मैंने आपको ये लिंक दे रखा है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डी एक डॉट इन डॉट स्लैश सी सी पी टी स्लैश करके दे रखा होगा। वो लिंक ओपन करोगे, ये इंटरफेस खुलेगा आपको। इसमें देखो आपको एक अनाउंसमेंट दिखेगी, तो ये वाली चलती हुई भी दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी, एग्जाम डेट एंड नेम ऑफ एग्जाम सिटी फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड सी सी पी टी वगैरह वगैरह 02/2024 अवेलेबल योर लॉगिन। तो आपको ये चीज़ जो दिखेगा, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर का है ना एनरोल पर्सनल सी सी पी टी 02/2024 वाला, उसको ओपन करना है, लॉग इन करना, एग्जाम डेट एंड सिटी आपको दिख जाएगी। बट उससे पहले कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। लाइक अगर आप जाते हो मोबाइल से, तो मोबाइल से भी खोलते हो तो आप उसको लॉग इन करोगे सेम प्रोसेस से, लेकिन आपको फर्स्ट पेज पे ये दिखेगा और जैसे स्क्रॉल करोगे ऊपर उसको तो नीचे ये दिखेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऊपर फोटो दिखेगा आपका, यहाँ पे लिखेगा नाविक जीडी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 21 अप्रैल 2024, और इनका सिटी दिखेगा मध्य प्रदेश, मतलब एग्जाम स्टेट, और एग्जाम सिटी दिखेगा ग्वालियर, और नीचे लिखेगा प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन 20 अप्रैल 2024। मतलब ये कहना है कि आपका एग्जाम 21 अप्रैल को तो है, लेकिन एडमिट कार्ड आपका हम देंगे 18 अप्रैल को। गाइज अभी ये चीज पता नहीं चला कि एग्जाम का फर्स्ट डे क्या है, बट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये 10 डेज पहले ये चीज इशू करते हैं, तो आपका ये एग्जाम 18 से स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज आज 8 अप्रैल है, तो 10 दिन पहले तो मतलब 18 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा होगा। तो 18, 19, 20, 21, तो मतलब लगभग 21 तारीख तक या फिर 21 या 22 तक कोस्ट गार्ड नाविक का एग्जाम होगा, और असिस्टेंट कमांडेंट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो वो एंड में होगा, ये एग्जाम खत्म होती है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होगा। ओके, तो आपको जाके चेक कर लेना है, एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं होगा, जस्ट अपना टिकट वगैरह करना है आपको तो करवा लो, मध्य प्रदेश और जो इनका सिटी दिखाएगा वो दिखाएगा, ठीक है। बट साथ में अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मैं आपको एक लिंक दूंगा ए टू जेड स्टडी ऐप का, आपका अपना ऐप है, उसको डाउनलोड करोगे, वहां पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की सबसे पूरी अभी तक जितना मैं खुद आराम से रच रच के इस मॉक टेस्ट को बना रहा हूँ ना, आपको खुद से बनाया हुआ मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, किसी और से मैं नहीं बनवा रहा हूँ, थोड़ी सी टाइम इसलिए मैं लास्ट में लाता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को खुद से बनाऊँ, और मैं खुद भी कोस्ट गार्ड इस बार असिस्टेंट कमांडेंट पिछली 2 बार मैंने क्रैक किया, और इस बार ही मैंने भरा, और इस बार भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, इजी एग्जाम है, फिर भी मैं बोलता हूँ असिस्टेंट कमांडेंट में फिर से क्रैक करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। क्यों? बिकॉज मेरी प्रिपरेशन हर टाइम जो होती है ना अप टू डेट होती है, उस बेसिस पे मैं मॉक टेस्ट भी बनाता हूँ, ताकि आपकी एग्जाम भी ना फोड़ सको, आप भी एग्जाम को। जब मैंने मॉक टेस्ट बनाया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का, तो गारंटीड आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला ये चीज़। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू जेड स्टडी ऐप का, और ये जो दिख रहा है आपको ये मॉक टेस्ट को ज्वाइन करो ऐप पे, और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, और एक मॉक को आप 3 बार लगा पाओगे, वैसे तो 3 बार लगाने की जरूरत ही नहीं है, 10 डेज में डेली एक मॉक भी लगाएंगे सफिशियंट है, आपको 3 मॉक अनलॉक हो गया है, बाकी रोज एक एक मॉक अनलॉक हो जाता है, ठीक है। बहुत जल्द आपका एग्जाम है, तो बस अब सारी क्लासेस में हम लोग बहुत सारी रिविजन क्लासेस में टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहूंगा आपके लिए, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बाकी जो आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों की मॉक टेस्ट है इसके अंदर, और कुछ नोट्स अगर मांग रहे हो ना कि नोट्स दो हमको पेड पीडीएफ जो आपकी आती है, आप या तो व्हाट्सअप करके पेड पीडीएफ बाय कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट जो है ना, ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, मैं पेड पीडीएफ के बारे में बता रहा हूँ, वो अलग चीज है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके बाय कर सकते हो। एग्जाम से पहले हमारे मॉक और पेड पीडीएफ पढ़ के जाओ, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा के आने वाले हो, इसका प्रूफ हमारे बच्चे हैं। मैं बहुत इस बार भी खुश हूँ कि इस बार जो 01/2024 जो भर्ती थी उसमें भी फाइनल लिस्ट में हमारे बच्चों का आया है, और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट मैंने भेजा भी था कि हमारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं पिछली बैच में भी, और इस बार भी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज अब आपकी बारी है ज्वाइन करने के, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, तो गाइज रेडी रहो। और मैंने फिर से कहा था कोस्ट गार्ड अगर जीडी ज्वाइन करना है या फिर यांत्रिक ज्वाइन करना है ना, सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेक्शन 1 में कोशिश करना कि 50+ हो जाए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ देख रहे हो डे बाई डे हाई जा रहा है, और उस सिचुएशन में आपको ए टू जेड स्टडी का मटेरियल ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। वैसे तो हमारी बैचेस से अगर पढ़े होगे रक्षक, वैसे तो टेंशन फ्री रहो, इस बैच में हमने सब कुछ आपको दे रखा है। अगर नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी नोट्स बाय कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप करके भी नोट्स बाय कर सकते हो,
और ऐप को डाउनलोड करके हमारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और कमेंट में अपना अपना एग्जाम डेट जरूर बताना, ठीक है गाइज। हम लोग अलग से वीडियो में अब स्टडी मटेरियल अपलोड करना शुरू करते हैं, गर्दा गर्दा हो जाएगा, टेंशन मत लो।